हमारे खेत की ककड़ी फ्रेश फ्रेश होगी, बनाने लायक हो गया पापा। ये देखिए फ्रेंड्स, खीरा निकल के आ रहा है। मुझे लगा ककड़ी तो सही हो गई है साड़ी, दो दो लोग लौकी तो सही हो गई रे, तोड़ लेना बना। हम औरतों की भी लाइफ ना बहुत ज़्यादा बिजी होती है और हमारी शुरुआत भी किचन से ही होती है। सुबह उठते ही किचन और शाम को भी ख़त्म करते हैं, तो किचन से ही सारा काम ख़त्म होता है हमारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं उठ चुकी हूँ, नमाज़ भी पढ़ ली है फजर की मैंने, और सूरह यासीन की तलावत भी कर ली है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बेटियों का लंच तैयार, क्योंकि बेटियों की फरमाइशें होती हैं, वो एक दिन पहले ही बता देती हैं लंच में उनको क्या ले जाना है। तो उन्होंने कल बता दिया था मुझे कि हम फ्राई इडली ले आएँगे, काफ़ी दिनों से खाई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स इडलियां तो सारी स्टीम हो चुकी हैं, और ये देखिए इधर मैंने टमाटर काटा था इडलियों के लिए, तो कितना प्यारा लग रहा है हार्ट शेप में। तो यहाँ पर सारी इडलियां मैंने निकाल ली, स्टीम हो चुकी थी, अब उनको कर लूँगी पीस क्योंकि इनको फ्राई करना है। तो यहाँ प्याज भी कट चुकी है, टमाटर भी कट चुका है, इडलियाँ मेरी रह गई थी काटने के लिए, तो उनको मैं जल्दी जल्दी से कट कर लेती हूँ। सुबह सुबह काम फ्रेंड्स इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। पहले बेटियों का लंच तैयार करो, फिर उसके बाद बेटू का लंच तैयार करो, फिर उसको भी रेडी करो, क्योंकि अब तीनों बच्चे ही मेरे स्कूल जाने लगे हैं। और सबकी लंच में भी अलग अलग फरमाइश होती है, बेटी को अलग ले आना है, बेटू को अलग ले आना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे बातों बातों में ही मेरी इडलियाँ हो चुकी हैं तैयार, अभी काट लेती हूँ मैं हरा धनिया। और बेटी भी देख रही है कि कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि उसे भी अभी चोटी करवानी है दोनों को, तो इसलिए वो देखने आ रही बार बार कि कितना टाइम लग रहा है। ये हमारी इडली हो चुकी है तैयार, जा चुकी हैं स्कूल और मैंने बेटू को भी कर दिया है रेडी। अब इसके लिए बनाती हूँ फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि ये ले जाएगा फ्रेंच फ्राइज, बेटियाँ ले रही थी इडली फ्राई। अब मैंने इसके लिए फ्रेंच फ्राई कट करके रख दी है, अब इसे बनाती हूँ। तो यहाँ रख दी हमने कढ़ाई, बेटू के लिए बनाएंगे हम फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि बेटू कई दिनों से डिमांड कर रहा था फ्रेंच फ्राइज की। फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुकी है हमारी बेटू की फ्रेंच फ्राइज, और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, तो ये और टेस्टी लगेंगे। अब इनके लंच में कर देती हूँ पैक, और बेटू तो हमारा रेडी है ही है, तो अभी हम इनकी फ्रेंच फ्राइज को कर देते हैं पैक। बेटू जा चुका है स्कूल, तो मैं अभी आ गई हूँ बाहर, तो बनाऊँगी ये लौकी और इसका बनाऊँगी मैं रायता। बच्चे चले गए तीनों स्कूल, तो घर हो गया है सुना सुना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता अंदर, इसलिए मैं बाहर ही आ जाती हूँ। जो भी काम करना होता है घर का, सब्जी वगैरह कटिंग वगैरह करनी होती है, तो मैं बाहर ही बैठे कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही अच्छा लगता है, क्योंकि घर तो सुना हो जाता है, बच्चे तीनों के तीनों स्कूल चले जाते हैं इसलिए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इधर ये लौकी को मैं रखूंगी बॉईल करने के लिए रायते के लिए, इसी में साथ में डाल दूंगी हरी मिर्च, और ये बनाऊंगी मैं थोड़ी सी, क्योंकि हस्बैंड का मन था लौकी का रायता का, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, तो इस लौकी को मैं थोड़ा सा उबालने रख देती हूँ, थोड़ा सा पानी डालकर, फिर इसको पीस लूंगी, फिर उसके बाद डाल दूंगी मीठा में। और ये अपने लिए बनाऊंगी मैं हरी मिर्च की, काली मिर्च और हरी मिर्च वाली, तो इसे रख देती हूँ मैं उबाल करने। हल्का सा इसमें डाल दूंगी मैं नमक, इसका जिससे इसका कलर रहे बरकरार, तो बस। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल, बेटू भी जा चुका है, बेटियाँ भी जा चुके हैं स्कूल, सभी लोग जा चुके हैं, तो मैंने भी बाकी का काम थोड़ा बहुत कर लिया, अभी थोड़ा काम रह गया है। ऊपर आ गई थी पानी डालने के लिए, जो डेली का काम मेरा है पौधों में पानी डालने के लिए, क्योंकि जब ये खिलेंगे थोड़े से एनर्जी आ जाएगी इनके अंदर, जैसे हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, तो अभी पानी डाल लेते हैं इसके अंदर, फिर चलते हैं नीचे, क्योंकि हस्बैंड भी जाएंगे अपने थोड़ा काम से, फिर मैं खाना तैयार करती हूँ उनके लिए। यहाँ देख लेते हैं हमारी लौकी उबल चुकी है या नहीं, तो ये देखिए हमारी लौकी अच्छे से उबल गई है, क्योंकि ये फ्रेश और ताजी है, ज़्यादा पकी हुई नहीं है। ज़्यादा पकी हुई लौकी होती है तो उसमें टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, तो इसको जल्दी से मैं पीस लेती हूँ और फ्रेश डाल दूंगी मट्ठे में। ये हमारा तैयार हो चुका है लौकी का पेस्ट, हम डालेंगे इसके अंदर। कर दूंगी मैं मिक्स फ्रेंड्स, तो ये इसमें मैंने डाल दिया लौकी का पेस्ट,
बहुत ही टेस्टी और बढ़िया होता है फ्रेंड्स। हमारा लौकी का रायता इसमें लगा देती हूँ तड़का, और हमारा रायता हो जाएगा तैयार। थोड़ा सा डालूंगी काला नमक, सफ़ेद नमक और मिर्ची, हरी मिर्ची मैंने इसलिए पीस ली, लाल नहीं डालूंगी, बस रायता मसाला डालूंगी और हमारा रायता हो जाएगा तैयार। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है फ्रेंड्स। शाम 4 बजे हो सौंफ काट ली सारी उस पैसे। तो फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं अपनी खेती बाड़ी देखने। वो लौकी कितनी बड़ी हो, दो लोग लौकी तो सही हो गई, तोड़ लेना बना लूँगी। ककड़ी भी बड़ी बड़ी हो, ककड़ी तोड़ लो, ककड़ी देखिए गाइस कितनी बड़ी हो गई है। ये ठीक है इतनी, फिर बंदर खा जाएंगे क्या मतलब है। और वो तो छोटी है गाइस, हमारी खेत की ककड़ी फ्रेश फ्रेश और भी लगी हुई है इस पर। भिंडी निकला है, पता चलेगा बड़ा हो गया भिंडी कही है किसका है। सौंफ हमारी पक गई थी सारी, तो वो सारी काट दी है, सौंफ बेटू आ गया है। क्या कह रहे हैं किधर है भिंडी का दिखाओ। तो देखिए फ्रेंड्स इधर आपको दिखाती हूँ लौकी कितनी बड़ी हो रही है। ओए तीन तीन लौकी लग रही है कि दो हैं, ये देखिए ये तो लौकी बनाने लायक हो गया। पापा ये छोटी सी आ रही है ये, और एक ये हैगी ये देखिए, उसके नीचे भी है खीरा का। नहीं तो देख रही हूँ किधर है खीरा, मुझे दिख नहीं रहा ना। अच्छा ये निकल के आ रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स खीरा निकल के आ रहा है। ये ककड़ी है, खीरा नहीं है। हाँ जी लौकी ये देखिए, एक लौकी ये गई और एक वो गई, और कहाँ लौकी। ओह लौकी तो कई निकल आई है, एक लौकी इधर, एक एक और क्या है, एक लौकी इधर है, ये गई। बच्चे गंदे खेल रहे हैं फील्ड में, मूली भी सारी बेकार हो गई है। हाँ जल्दी से सब बेकार हो गई मूली, और लहसुन कहाँ गया इसमें से। अच्छा ये गड्ढे लहसुन के दिख रहे हैं, दो चार पेड़ ऐसे होंगे जो भरे नहीं होंगे। ये किसका निकल रहा है, उखाड़ना है इसमें से निकलेगा लहसुन निकालो। तो हाँ ये लो, ये ककड़ी लो, ककड़ी हाँ ककड़ी, लौकी तोड़ लो पापा, बड़ी वाली तोड़ लो हैं, नहीं वो वाली सही है, सही छोटी है, ये ज्यादा छोटी थी वो सही है। लौकी तोड़ रहे हैं ना पापा, दिखाओ है, इतनी अच्छी लग रही है, इतनी लंबी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड लौकी तोड़ लिया, बनाएंगे इसको फ्रेश लौकी ताजा, और इसमें ना केमिकल। सूखी पड़ी हुई है ना, पानी नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि हमने लौकी भी तोड़ ली और ककड़ी भी तोड़ ली, और बेटू लेके जा रहा है दोनों चीज़ें हाथ में पकड़ ली है उसने। अभी जल देते हैं घर, बेटू बहुत ज़्यादा खुश है। काटेंगे फिर नमक लगा के खाएंगे। हेलो चिकन जी ना काट रही हूँ ना, फ्रेश चीज का तो मजा ही अलग होता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने ब्लॉग का भी मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।